नमोस्तु गुरुदेव। बुराई से ग्रस्त लोगों को धर्म से दूर रखा जाता है, इससे क्या तात्पर्य है? देखिए, इसके पीछे दो दृष्टियां। पहली दृष्टि ये है कि बुराई ग्रस्त लोग अगर धर्म के क्षेत्र में आगे दिखेंगे तो धर्म की उपयोगिता पर प्रश्न लगेगा। लोगों के मन में एक बात आएगी कि जब धर्मी लोगों में भी बुराइयां हैं तो धर्म करने से क्या फायदा। संभवतः इसी दृष्टिकोण के कारण बुराई ग्रस्त लोगों को धर्म से दूर रखा जाता है। लेकिन इसका एक दूसरा दृष्टिकोण है कि यदि हम बुराई ग्रस्त लोगों को धर्म से दूर रखेंगे तो धर्म सीखेंगे कैसे। इस दृष्टि से ऐसे लोगों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। एक बार गुरुदेव से किसी ने पूछा कि महाराज, बहुत सारे लोग गलत आचरण करते हैं और वे लोग भी आपके इर्द गिर्द देखे जाते हैं, कम से कम आपके समक्ष तो ऐसे लोगों को नहीं होना चाहिए। गुरुदेव ने बड़ा सधा हुआ उत्तर दिया और कहा, मरीज अस्पताल में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा। तो दोनों दृष्टियां हैं और दोनों दृष्टियों को हमें अनेकांतात्मक दृष्टि से अपनाना चाहिए।